उत्तराखंड में बारी बारी सत्ता का स्वाद चखने वाली बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस यूं तो सभी 70 विधानसभा सीटों पर रहता है, लेकिन इस बार आंकड़ों और विरोधियों की तैयारियों के लिहाज से ये पार्टियां अपनी जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं। बीजेपी लंबे समय से अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच मौजूदगी दर्ज करा रही है। उधर कांग्रेस इस मामले में काफी देरी से सक्रिय हुई है, लेकिन कई बातें हैं जो कांग्रेस के पक्ष में उनकी इस देरी के बावजूद जीत का माहौल तैयार कर रही हैं। कांग्रेस ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में समानांतर पकड़ बनाने के लिए पार्टी नेताओं को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारियां दी हैं। इस कड़ी में बीजेपी के हर घर घर भाजपा के नारे को फेल करने के लिए कांग्रेस ने भी गांव गांव कांग्रेस अभियान आगे बढ़ाया है। इसकी शुरुआत भी 12 नवंबर को हो चुकी है। हालांकि इस अभियान को बीजेपी ने खुद की कॉपी के रूप में बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि उनकी पार्टी पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस अब जो भी अभियान चला रही है वो भाजपा की योजना के आधार पर बनाए गए हैं। 4.5 साल तक कुंभकर्ण की नींद में सोती रही कांग्रेस, अब जब चुनाव सर पर आ गया है तो उनके वो अपनी जनता को वर्ख लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने के लिए चुनाव मैदान में है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी तरह का कोई संगठन नहीं है, वो केवल बयानवीर हैं और इसी आधार पर उनका जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी कॉपी करने का वो प्रयास कर रहे हैं, बाकी उनके पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 11,235 बूथों पर, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तैनाती है, जिसमें हमारे अध्यक्ष और उस अन्य टीम पूरी है। यह अभियान उनके माध्यम से और उससे ऊपर के जितने भी पदाधिकारी और हमारे जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं सबके माध्यम से इस अभियान को एक वृहत रूप दिया गया है। ये बड़ा अभियान है और ये अभियान बड़ी तेजी के साथ पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर चल रहा है। हमारी केंद्र सरकार की 7 साल की उपलब्धियां, हमारे राज्य सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां, ये सारी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में घर घर दस्तक दे रहे हैं, घर में स्टिकर चिपका रहे हैं, उनको अपनी उपलब्धियों का पत्रक दे रहे हैं और जनता का व्यापक समर्थन इसको मिल रहा है। इसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रहलाद जोशी जी ने भी कल कई स्थानों पर इस कार्यक्रम में शिरकत की है, हमारी सह प्रभारी लोकेट चटर्जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है, हमारी सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी सांसद उन्होंने भी इसमें रीता वर्मा जी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और ये कार्यक्रम बहुत ही जोर शोर से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता में अपार उत्साह है। उत्तराखंड में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए कांग्रेस ने सरकार विरोधी माहौल को भुनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपने जीत के ब्लूप्रिंट में केंद्रीय मुद्दों को सहायक बनाया है। ऐसे में महंगाई का मुद्दा भी शामिल है जो हर घर और परिवार से ताल्लुक रखता है। यही कारण है कि लंबे समय से महंगाई पर मौन रहने वाली कांग्रेस ने इसी हफ्ते प्रदेशव्यापी आंदोलन करते हुए महंगाई को जनता के ध्यान में लाने और इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि विधानसभा स्तर पर मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, साथ ही गांव-गांव कांग्रेस का भी नारा दिया गया है। ये वो अभियान है जिसके जरिए उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में वापसी की राह तय करने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की अपनी योजना बनाए उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी हमारी गांव-गांव कांग्रेस हर गांव कांग्रेस के तहत हम पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं, न्याय पंचायत स्तर पर जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं गांव में जाके प्रवास करेंगे न्याय पंचायत स्तर पर, जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हमारी महिलाएँ हैं उनको सम्मान भी कांग्रेस करेगी। इसके तहत हम पूरे प्रदेश भर में न्याय पंचायत स्तर पर जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे। बूथ में जैसे हमारा चल रहा है कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत हम 13 तारीख को यहाँ पर कैंट विधानसभा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा
कार्यक्रम राजेंद्र नगर में आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इससे स्पष्ट रूप से हम कांग्रेस के साथ ही आम जनता से जुड़ सकेंगे। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जब उनके बीच में जाएंगे निश्चित तौर पर हम लोगों की जो कार्य योजना है वो भी हम लोगों के बीच में रखेंगे, क्योंकि पिछले 4.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रदेश के अंदर जुमले छोड़ने का उन्होंने काम किया, हकीकत में जैसे उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से महंगाई मिटाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इससे पूरा प्रदेश की जनता त्रस्त है। हम इसके असली चेहरे को जनता के सामने लेके आएंगे और जो हमारा हर गांव कांग्रेस, गांव गांव कांग्रेस, जो इसके तहत हम इस मुहिम को पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के अंदर चलाने का काम करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने 2022 विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों को पंचायत स्तर पर अमली जामा पहनाने की रूपरेखा तैयार कर ली है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर अपने प्रोग्राम चला रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के जीत का ब्लूप्रिंट वोट की फसल काटने में कितने कारगर साबित होते हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।